बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की वन यूआई 2.0 विद एंड्रॉइड 10 अपडेट के बारे में, कि किस स्मार्टफोन में ये अपडेट देखने को मिलेगा और किस स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं आएगा और किस स्मार्टफोन में कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे कि किस स्मार्टफोन में सैमसंग का सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा, सैमसंग वन यूआई 2.0 विद एंड्रॉइड 10 का अपडेट, और किस स्मार्टफोन में नहीं आएगा। तो यार एक गुड न्यूज होगी और एक बैड न्यूज आप लोगों के लिए, अगर आप सैमसंग के लवर हैं यानी कि अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इधर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और ऑल पे सेट कर दो, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि कब तक अभी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यार ये अपडेट जनवरी से स्टार्ट होगा और सितंबर तक इन स्मार्टफोन में जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आपको सितंबर तक देखने को मिलेगा। तो जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी में आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 में देखने को मिलेगा और S10 प्लस में देखने को मिलेगा, S10 5G, S10 ई में देखने को मिलेगा, और अगले जो स्मार्टफोन होंगे वो गैलेक्सी नोट 10 सीरीज के होंगे, नोट 10, नोट 10 प्लस, नोट 10 प्लस 5G, और अगला जो होगा S9 होगा, S9 प्लस होगा, नोट 9। तो इन स्मार्टफोन में आपको जनवरी में आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो यार अब हम बात कर लेते हैं मार्च में, तो मार्च में गाइस हमारे देखने को मिलेगा सैमसंग की ए सीरीज का A80, सैमसंग गैलेक्सी 80 में आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो मार्च के बाद देखिए अप्रैल में आपको कौन सा स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो अप्रैल में आपको ए सीरीज के स्मार्टफोन में ये अपडेट देखने को मिलेगा, जिनमें से कुछ स्मार्टफोन में आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा, उसके बाद में हम बताएंगे कि इसमें नहीं मिलेगा। तो ए सीरीज के A6, A7, A9 और A40, A70, A90, 5G गैलेक्सी फोल्ड टैब S4 में इस स्मार्टफोन में आपको अप्रैल में अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अगला की बात करें तो यानी अगला महीने की, तो अगले भैया मई आता है, तो मई में हमें किस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो मई में हम बात करें तो ए सीरीज के स्मार्टफोन होंगे A10, A20, A50। तो अगर आपके पास में A50 है तो आपको भी अपडेट मई में देखने को मिल जाएगा। और अगला स्मार्टफोन की बात करें तो यार एक्स कवर के नाम से जो आया था X4S, उसमें ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, गैलेक्सी A6 में आपको ये अपडेट मई में देखने को मिल जाएगा। तो यार अब हम बात कर लेते हैं जून में हमें किस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो यार जून में गजब के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि J6 जो काफी पुराना हो जाएगा, उसमें भी ये अपडेट आने वाला है जो कि आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा। तो यार अगले स्मार्टफोन अगले मंथ की बात करें कि अगले मंथ में किस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगा, तो आता है भैया जुलाई, तो जुलाई में आपको J6 प्लस में आपको देखने को मिलेगा, टैब S4 और टैब S5 ई, इनमें आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट मंथ आता है भैया सेप्टेम्बर, तो सितंबर में भैया क्या हमें देखने को मिलेगा, वो होगा टैब A10.5 और टैब A10.1 में, इन स्मार्टफोन में आपको सितंबर यानी सितंबर में दो और सितंबर में इन दो स्मार्टफोन में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो यार आपको ये अपडेट कैसा लगा, और अब हम बात करेंगे कि किस स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं आएगा। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब हम बात करने वाले हैं कि किस स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग की बैड न्यूज होने वाली है, तो बात करते हैं उसी के बारे में। बात कर लेते हैं कि किस स्मार्टफोन में हमें ये अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। तो यार हम बात करते हैं सैमसंग की भैया, तो किस स्मार्ट में आपको ये अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, वो होगा सैमसंग की M सीरीज के M10, M20, M30, M40, इन स्मार्टफोन में आपको ये अपडेट नहीं आएगा, और अगले स्मार्टफोन भी है A30 सीरीज के होंगे, A30, A90, J7, J7 प्लस और J7 प्राइम, इन स्मार्टफोन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगले हम बात करते हैं ए सीरीज की A10S, A20S, A30S, A40S, A50S, इस स्मार्टफोन में भी आपको ये अपडेट नहीं आने वाला है। तो यार ये यार मुझे काफी बैड न्यूज लगी सैमसंग यूजर्स के लिए कि यार ये 30, A40S, A50S में इनमें तो अपडेट आना चाहिए था। हालांकि ये सितंबर में नहीं आएगा, बट हो सकता है कि आपको सितंबर के बाद में इनमें भी आपको अपडेट देखने को मिल जाए। तो ऐसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना और ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।